इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए प्रदेश को जल्द ही एक नए लेपर्ड सफारी की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे के पास लेपर्ड सफारी की तैयारी चल रही है और क्या कुछ खास है इस परियोजना में, दिखाते हैं आपको कोटपुतली से बुद्धि प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर हाईवे के पास कोटपुतली के बोचारा कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी की तैयारी है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार किया जा रहा है। 1972 के कंजर्वेशन एरिया एक्ट के तहत ये परियोजना लागू होगी। 4437.85 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेपर्ड सेंचुरी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के दिल्ली जयपुर हाईवे के पास होने के कारण पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को एक बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां के ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा। वन विभाग यहां सफारी ट्रैक, गेट, पॉन्ड, विश्राम स्थल जैसे काम करवा रहा है। ग्राम पंचायतों से भी सहमति ली जा रही है, कुछ से ली जा चुकी है। यही नहीं, इस क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को भी सफारी ट्रैक से जोड़ने की योजना है। मनसा माता की पहाड़ियों से होते हुए बालेश्वर धाम, बुचारा और सरिस्का अभयारण्य को जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। परियोजना को सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ट्रेनी IFS अधिकारी राहुल झाझड़िया ने बताया कि फतेहपुरा, रूपपुरा, टस्कोला, भोनावास, टोरडा पंचायत ने लेपर्ड सफारी परियोजना के लिए सहमति दे दी है। अभी बुचारा ग्राम पंचायत से सहमति पत्र मिलना बाकी है। पर्यटन सुविधाओं में विस्तार के लिए वन विभाग ने भोनावास से भैरव क्यारी वाटरफॉल तक 10 किलोमीटर का सफारी रूट बनाया है। इस रूट पर पर्यटकों के लिए एक गेट, 4 झोपड़ी नुमा विश्राम स्थलों का भी निर्माण किया गया है। वन्यजीवों के लिए कैनिकट सहित 4 वाटर पॉन्ड भी बनाए गए हैं। इसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। बजट घोषणा में हुआ था कि बुचारा वन क्षेत्र के अंदर हम एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे, जिसका एरिया 44 किलोमीटर स्क्वायर प्रस्तावित था। और इस कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा के पश्चात यहाँ पर हम एक लेपर्ड सफारी को हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। इसको विकसित हम जो जैसे झालाना है हमारे जयपुर का, वो भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है, उसी की तर्ज पर हम बुचारा क्षेत्र में भी एक लेपर्ड सफारी प्रस्तावित है। तो उसी के ब्याह पे मतलब ये काम हुआ है। हम लोग वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करेंगे आसपास के गांव वालों के साथ मिल करके। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ के ऊपर जो रेगुलेशन होता है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी जब हम इसका डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले हमें आसपास के ग्राम पंचायतों की सहमति देनी होती है। तो उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ ग्राम पंचायतों से हमें सहमति पत्र मिल गए हैं और कुछ से अभी हम बात कर रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं। बुचारा वाली लेपर्ड सफारी जो है, ये दिल्ली जयपुर जो अपना हाईवे है उसके ऊपर ही स्थित है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अधिक दूर नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पर्यटक भी आ सकते हैं। तो इस इको टूरिज़्म के थ्रू बाद में यदि यहाँ पर हम ट्रैकिंग रूट्स को प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जीप सफारी के थ्रू जिप्सी के अंदर जिप्सी का रोज़गार दे सकते हैं, ड्राइवर्स का रोज़गार रह सकता है और जो गाइड जो होता है उसका रोज़गार रह सकता है। साथ ही साथ यदि पर्यटन यदि बढ़ता है तो हम यहाँ पर जो अधिक से जो सुविधाएं जो पर्यटकों के लिए रहती है, कैंटीन, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, तो ये भी हम आगे प्रपोज कर सकते हैं। तो आप इस क्षेत्र को जब भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्रॉपर अच्छा फॉरेस्ट है, जिसके अंदर जो अरावली की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में है। प्लस यहाँ पर अभी जो हमने स्टाफ से जो फील्ड से जो रिपोर्ट है कि 5 से 7 बघेरे अभी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और रिसेंटली जीवनगोर क्षेत्र में तो हमें एक फीमेल लेपर्ड के साथ उसके बच्चे के पगमार्क भी रेगुलर दिख रहे हैं। तो एक शुभ संकेत है कि ये लेपर्ड की संख्या आगे भी बढ़ेगी। इस प्रकार ये बढ़िया हम इसको लेपर्ड सफारी को डेवलप कर सकते। तो जैसे जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है बुचारा वन क्षेत्र में है, वो भी इसी का पार्ट रहेगा। तो उसके लिए जो ट्रैकिंग रूट है वो बुचारा गांव से लेकर के टपकेश्वर महादेव तक का, तो एक तो वो इसके अंदर प्रस्तावित है। उसके अलावा इसके अंदर जीप राइड जो है मेन गेट से लेकर के भैरू क्यारा तक की 10 किलोमीटर की जीप राइड प्रस्तावित है।
इस रास्ते के बीच में हमने चार जगह झूपे बनाए हैं और चार जगह हमने जो बड़े पुराने पेड़ होते हैं बरगद बर्ड गुजर इनके आसपास में बड़े चबूतरों का निर्माण भी करवाया है। साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने चार वाटर पॉइंट्स का भी निर्माण करवाया है। साथ ही साथ पड़ोस के गांव से जन सहयोग से जो समाज से भी लोग हैं उन्होंने हमारे लिए 3 जो ट्यूबवेल हैं उनका निर्माण भी करवाया है।